Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to do chapter number 11, How Many Times. This chapter is from your Joyful Mathematics of Class 1 New NCERT. So इस chapter में हम groups में counting कैसे करते हैं, वो सीखने वाले हैं. So let us just start with the chapter. So first part में दिया हुआ है, A visit to an amusement park. एक पार्क है जहाँ पे बहुत सारे झूले हैं, कुछ बच्चे वहाँ घूमने गए हुए हैं. इसके थ्रू हम कैसे काउंटिंग सीखेंगे, लेट अस जस्ट डू वन बाय वन. तो यहाँ लिखा हुआ है, अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन विजिटेड एन अम्यूजमेंट पार्क. एक बच्चों का ग्रुप अम्यूजमेंट पार्क घूमने गया है. नाउ दिस गर्ल इज सेइंग, वाओ, टू ऑफ अस कैन सिट ऑन द हॉर्स, आई विल सिट विद माय फ्रेंड. आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक झूला है जिसमें कि हॉर्सेस हैं, घोड़े हैं. तो कितने हैं घोड़े, 1, 2, 3 एंड 4, फोर घोड़े हैं. तो ये गर्ल कह रही है कि एक घोड़े पे दो जने बैठ सकते हैं, तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ बैठूंगी. ठीक है, अब फोर हॉर्सेस हैं और एक हॉर्स पे दो बच्चे बैठे हैं, तो टोटल कितने बच्चे होंगे. सो द टोटल चिल्ड्रन आर 2 + 2 + 2 + 2, यानी कि 2 को हम 4 टाइम्स ऐड करेंगे. कैसे करेंगे, तो देखो मैं यहाँ पे 2 4 टाइम्स लिख रही हूँ, 1 2 1 2 1 2 1 2. ठीक है, अब ऐड कैसे करते हैं, हर स्टिक को, हर लाइन को हम कट करेंगे और काउंट करेंगे. ओके, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, तो टोटल कितना आ गया, 8. यानी कि दो दो बच्चे अगर चार घोड़े पे बैठते हैं तो टोटल आएगा 8. तो यहाँ लिखेंगे, 8 ऑफ अस कैन सिट ऑन द हॉर्स स्विंग ऑल टुगेदर. 8 बच्चे हम एक साथ इस झूले पर झूल सकते हैं, एक घोड़े पे अगर दो बच्चे बैठते हैं तो. ठीक है, नेक्स्ट है अ टॉय ट्रेन. यहाँ पर एक ट्रेन है जिसमें कि बच्चे झूल सकते हैं, जा सकते हैं. सो 3 ऑफ अस कैन सिट इन अ टॉय ट्रेन. 3 बच्चे एक साथ एक डिब्बे में बैठ सकते हैं. वी ऑल विल सिट टुगेदर. हम सारे एक साथ बैठ सकते हैं. ठीक है, तो हमें टोटल काउंट करना है कि टोटल कितने बच्चे इस ट्रेन में बैठ सकते हैं. तो डिब्बे कितने हैं, डिब्बे को हम बोगीज भी बोलते हैं. सो 1, 2 एंड 3, 3 डिब्बे हैं और हर डिब्बे में 3 बच्चे बैठ सकते हैं. तो हम 3 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे, 3 + 3 + 3. ओके, सो देयर आर 3 बोगीज. तो 3 बार ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो 3 मैं 3 टाइम्स लाइन खींचूंगी, 1 2 3 1 2 3 1 2 3. 3 बार हो गया. अब इसको काउंट कैसे करेंगे, एक एक को कट करेंगे. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, तो टोटल आ गया 9. इसका मतलब टोटल 9 चिल्ड्रन कैन सिट इन 3 बोगीज. अगर हर बोगी में 3 बच्चे बैठेंगे तो 3 बोगीज में 9 बच्चे टोटल बैठेंगे. ओके, और एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं. सो हियर वी आर, दिस इज सच अ बिग व्हील. एक ही बहुत बड़ा पहिया है और एक ही अलग ही झूला है. अब इसमें ये बच्ची क्या बोल रही है, 4 ऑफ अस कैन सिट टुगेदर. हम 4 जने एक जो झूले का पार्ट है उसमें बैठ सकते हैं. देर आर 5 कंपार्टमेंट्स और इस झूले में कंपार्टमेंट्स कितने हैं, 5. 1, 2, 3, 4 एंड 5. एक कंपार्टमेंट में 4 बच्चे बैठ सकते हैं, टोटल कंपार्टमेंट है 5. यानी कि हम 4 को 5 टाइम्स ऐड करेंगे, राइट. 4 + 4 + 4 + 4 + 4, कितनी बार हुआ, 1, 2, 3, 4 एंड 5. ओके, सो अब इसको ऐड कैसे करेंगे, तो 4 लाइंस हम 5 टाइम्स खींचेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. अब ऐड करने के लिए एक एक को कट करेंगे और गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. सो टोटल आ गया 20. यानी कि 4 को अगर हम 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो आंसर आता है 20. आई होप इट इज क्लियर. सो अब लास्ट में हम क्या फिल कर देंगे, सो टोटल 20 चिल्ड्रन कैन सिट इन दिस स्विंग. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं. After riding on the swings, children plan to eat jalebis. अब उन्होंने झूला झूल लिया बच्चों ने, अब उन्होंने प्लान किया कि हम जलेबी खाएंगे. Each plate of jalebi has 3 pieces. हर प्लेट में कितनी जलेबियां हैं, 3 पीस हैं, 3-3 हैं. They ordered 6 plates of jalebi. कितने प्लेट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 प्लेट्स हैं, हर प्लेट में 3-3 हैं. तो यहाँ पे 3-3 लाइनें खींच देते हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ओके, अब काउंट करने के लिए एक एक को कट करेंगे और काउंट करेंगे. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18.
ओके सो 18 टोटल जलेबीज हैं. सो 6 टाइम्स अगर हम 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 18. ओके नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे एक बस दी गई है, ट्रैवलिंग इन द बस. यहाँ पे हर कंपार्टमेंट में दो दो बच्चे बैठे हुए हैं, जैसा आप देख सकते हैं. कितने हैं टोटल कंपार्टमेंट्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है टोटल. और हर कंपार्टमेंट में दो बच्चे हैं तो हम 2, 2 को 9 टाइम्स ऐड करेंगे जैसे यहाँ दिया हुआ है. तो लेट्स सी. सो 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 9 बार हमने 2, 2 की लाइंस खींच ली हैं. अब इनको हम ऐड करने के लिए कट करेंगे और काउंट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. टोटल आ रहा है 18. यानी 9 टाइम्स अगर हम 2 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 18. फिर टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द बस इज इक्वल टू 18, क्योंकि टोटल कितने बच्चे बैठे हैं? 18. ओके नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत इजी है. सम क्रेट्स ऑफ वाटर बॉटल्स आर कैप्ड इन द बस, काउंट देम. कुछ वाटर बॉटल्स की ऐसे बॉक्सेस रखे हुए हैं उस बस में, तो कितने बॉटल्स हैं वो हमें काउंट करना है. तो देखो क्रेट्स कितनी है, मतलब डिब्बे कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि 4 डिब्बे हैं. एक डिब्बे में कितनी बॉटल्स हैं? चलिए काउंट करते हैं. 1, 2, 3, 4 एंड 5. 5 है टोटल. तो हम 4 डिब्बे में टोटल कितनी बॉटल होंगी ये काउंट करेंगे. तो 5 बॉटल्स हम 4 बार ऐड करेंगे. 5 + 5 + 5 + 5. चलिए ऐड करते हैं. तो 5 लाइंस हम 4 टाइम्स लिखेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. अब इसको काउंट करने के लिए कट करेंगे और काउंट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. यानी कि 20 टोटल बॉटल्स हैं और हम इसे लिख सकते हैं 4 times 5 is equal to 20. टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स इन द बस इज इक्वल टू 20. सबका आंसर 20 ही आएगा. ओके नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट में हमें क्या काउंट करना है. चीनू बॉट सम पैक्स ऑफ इरेजर्स पेंसिल्स एंड एप्पल्स फ्रॉम द शॉप. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ईच आइटम. चीनू ने दुकान से कुछ इरेजर्स पेंसिल एप्पल कुछ चीज़ें खरीदी, राइट. तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इरेजर काउंट करना है, यानी कि रबर. एक पैकेट में 2 रबर हैं तो टोटल पैकेट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4. तो 4 टाइम्स हम 2, 2 को ऐड करेंगे. 2 + 2 + 2 + 2, तो कितना आएगा? लेट्स काउंट इट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 आ रहा है, यानी कि 2 को हम 4 टाइम्स करेंगे तो 8 आएगा. ओके या फिर 4 times 2 is equal to 8. टोटल नंबर ऑफ इरेजर्स इज इक्वल टू 8. 8 है टोटल. नेक्स्ट हमें पेंसिल के पैक्स दिए हुए हैं. देखो कितने पैकेट हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5. यानी हम 5 टाइम्स ऐड करेंगे. तो टोटल लिखने के लिए कैसे करेंगे? 3 + 3 + 3 + 3 + 3. तो हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? चलिए काउंट करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15. टोटल 15 पेंसिल्स हैं. सो 5 टाइम्स अगर हम 3 को ऐड करते हैं तो आंसर आता है 15. टोटल नंबर ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू 15. अब हम एप्पल काउंट कर लेते हैं. ओके सो यहाँ 3 बास्केट हैं एप्पल के, 1, 2 एंड 3. अब एक बास्केट में 3 एप्पल हैं, राइट. तो टोटल कितनी हो जाएंगे? तो 3 को हम 3 बार ऐड करेंगे. 3 + 3 + 3. तो कितना आ जाएगा? चलिए काउंट करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. तो टोटल 9 एप्पल्स हैं. सो 3 times 3 is equal to 9. टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू 9. ओके नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे एक प्रोजेक्ट वर्क हमें दिया हुआ है. ड्रॉ अ साइकिल व्हील. एक साइकिल का व्हील हमें ड्रॉ करना है. आस्क योर फ्रेंड्स और फाइंड आउट हाउ मेनी साइकिल्स यू हैव एट होम. फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स इन ऑल साइकिल. देखो हमें एक साइकिल का व्हील बनाना है, पहिया बनाना है. इसके लिए पहले मैंने ऐसे 2 सर्कल किए, फिर बीच में एक छोटा सा पॉइंट बनाया और 2-2 करके ऐसे लाइंस ड्रॉ कर दी, ठीक है. फिर मैंने इसमें ग्रे कलर फिल कर दिया. अभी मैंने टायर ड्रॉ किया या व्हील ड्रॉ किया. अब एक साइकिल में कितनी व्हील होती हैं? 2 होती हैं. अब आपको देखना है कि आपके घर पे कितनी साइकिल हैं और उनके सभी व्हील्स का टोटल करना है. सो लेट्स से मेरे घर पे 2 साइकिल हैं. ओके एग्जाम्पल के लिए ये ले लेते हैं. एक साइकिल में कितने व्हील हैं? 2, 1, 2, राइट. सो 2 साइकिल का टोटल करने के लिए हम 2 बार 2, 2 को ऐड करेंगे. सो 2 + 2 कितना आ जाएगा?
1, 2, 3, 4, यानी 4 व्हील्स हैं 2 साइकिल में। तो ऐसे आपको भी आपके घर पे जितनी भी साइकिल है उनके आपको व्हील्स काउंट करने हैं कि टोटल व्हील्स कितने हैं। ओके, सो आई होप ये एक्सरसाइज आपको क्लियर है। इसमें थोड़ा सा काउंटिंग सीखने को है, तो आप अगर एक दो बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो इसके साथ हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कलियां टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच।